हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सीए फाउंडेशन अकाउंट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग इन्वेंटरी चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो इंस्टीट्यूट अपने मॉक टेस्ट पेपर्स में कई बार पूछ भी चुका है और आपके एग्जाम में इजिली एक्सपेक्टेड भी है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपके कई सारे कॉन्सेप्ट टेस्ट हो जाते हैं। इस क्वेश्चन में कई सारे स्टूडेंट्स अटकते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती हैं, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ पूरा एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, सॉल्व करूंगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर यह क्वेश्चन समझ आ जाता है तो मेरी आपसे बस एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, और अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। चलिए तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 आप अपने पास खोल सकते हैं, नहीं तो आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो आप अपनी किताब में जरूर से इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, 100% लिखना, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बोला ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में 100% एक्सपेक्टेड है। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूं क्या सर, इस क्वेश्चन को आप तभी करिएगा जब आपने ये सारे चैप्टर्स कर रखे हों। कौन से चैप्टर सर? एक तो ऑफ कोर्स इन्वेंटरीज, क्योंकि आपके इन्वेंटरीज चैप्टर में है, तो भाई इन्वेंटरीज का चैप्टर आपका हो चुका हो, ये आप मेक श्योर करना। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी आपको ये जरूर इंश्योर करना है कि आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का चैप्टर कर लिया, और साथ ही साथ आपने आपकी किताब में फर्स्ट मॉड्यूल में ही एक सेल ऑन अप्रूवल का चैप्टर है, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस ये चैप्टर है, ये भी कर लियो। तो मेक श्योर करना कि ये तीन चैप्टर्स आपके डन हो, क्योंकि इन तीनों भी चैप्टर्स की एप्लीकेशन होगी, मतलब तीनों भी कॉन्सेप्ट्स की बेसिकली एप्लीकेशन होगी इस क्वेश्चन में, राइट। तो अगर आपने नहीं किया होगा तो आप अभी नहीं समझ पाओगे, तो पहले आप ये सारे चैप्टर्स कवर कर लेना, फिर चाहे तो बाद में इस वीडियो को दोबारा देख लेना, राइट। अच्छा, इसके अलावा कोई स्पेसिफिक चैप्टर नहीं है, बट आपको ऑफ कोर्स बेसिक अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, मतलब ये तो बोलने वाली बात ही नहीं है। जैसे कि बेसिक अकाउंटिंग में, कौन सी बेसिक अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं, आपके वैसे आप फाइनल अकाउंट्स में एक एंट्री पढ़ते हो क्लोजिंग स्टॉक की, क्या आपको एंट्री पता है कि क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री क्या होती है? वैसे ये तो जर्नल एंट्रीज के चैप्टर में भी पढ़ा दिया जाता है और फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर में भी होती है। तो इसकी एंट्री जो होती है वो होती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। इसी प्रकार से एक और एंट्री होती है कि अगर हमने अपने गुड्स एज प्री सैंपल बांट लिए, या हमने अपने गुड्स को डोनेट कर दिया, चैरिटी के तौर पर दे दिया, या फिर हमारे गुड्स लॉस बाय फायर हो गए, मतलब बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए कि भाई जहां पे गुड्स चले गए, चाहे मैंने फ्री सैंपल के तौर पे दे दिया, चाहे मैंने चैरिटी के तौर पे दे दिया, चाहे उनका आग बाग में जल के नुकसान हो गया, आपको वहां पे परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना होता है। इस तरह की आपकी जानकारी होनी चाहिए, मतलब ये सब चीजें आपके एग्जाम में भी टेस्ट होती है और इस क्वेश्चन में भी टेस्ट होगी, ठीक है। तो बस ये थोड़ा सा आपको मैंने माइंड मैपिंग करवानी थी। अब मैं वापस इस क्वेश्चन पे आ सकता हूं, तो पढ़ना मेरे साथ तसल्ली से। क्या कहता है? द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ हनुमान शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹6 लाख, ठीक है। तो हमारा एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जिसमें नेट प्रॉफिट आ रहा है कितने रुपए का, 6 लाख रुपीज का, आफ्टर कंसिडरिंग द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹3,75,000 ऑन 31st मार्च 2020। तो बात समझना, इसका मतलब देखो क्या है, मेरा एक अकाउंटिंग ईयर था, जो कि स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2019 को। तो अगर मेरा अकाउंटिंग 1 अप्रैल 2019 को स्टार्ट होगा तो जाहिर सी बात है खत्म कब होगा,
31 मार्च 2020 को। तो कह रहा है कि भाई इस साल की फाइनल अकाउंट्स बन चुके, हमने यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया जिसमें हमने कुछ प्रॉफिट निकाल लिया। कितना प्रॉफिट निकाला? 6 लाख का, ये रहा 6 लाख का हमने प्रॉफिट निकाल लिया। और वो कह रहा है कि ये प्रॉफिट निकालने के लिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अब देखो जब भी मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलता हूं अंडरस्टूड होता है कि मैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करूं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पहले ऑब्वियसली बात है ट्रेडिंग अकाउंट बनता ही बनता है। तो कह रहे हैं कि भाई इस प्रॉफिट की कैलकुलेशन में या इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने क्लोजिंग स्टॉक ले रखा है। मैं लिख ही देता हूं, ट्रेडिंग अकाउंट में हमने क्लोजिंग स्टॉक भी ले रखा है कितने रुपए का, ये देखो यहां पे दे रखा है 375,000 का। बात समझ आ गई, राइट? ओके, अब मेरा अगला साल शुरू हो गया होगा। ऑब्वियसली बात है भाई, जब 31 मार्च 2020 को साल खत्म हो गया तो मेरा 1 अप्रैल 2020 से साल शुरू हो गया होगा नया। और ये साल कब खत्म होगा ऐसी जानकारी के लिए 31 मार्च 2021 को। पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है। अब कह रहे सब्सिक्वेंटली द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्क्रूटनी ऑफ द बुक्स। एक वर्ड पे फोकस करना, सब्सिक्वेंटली मतलब 31 मार्च 2020 की पीएनएल अकाउंट बना लिया, प्रॉफिट निकाल लिया, फाइनल अकाउंट तैयार कर लिए, उसके बाद सब्सिक्वेंटली इसका मतलब अगले अकाउंटिंग ईयर में, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर या नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में हमने यहां पे, अब डेट नहीं बताई उसने एग्जैक्टली, लेकिन उसने ये बोला कि भाई सब्सिक्वेंटली यानी हमने यहां पे नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में अपनी पुरानी किताबों की स्क्रूटनी करी। स्क्रूटनी मतलब एग्जामिन किया, जांच पड़ताल करी, ठीक है। अब सब्सिक्वेंटली द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वॉज ऑब्टेन फ्रॉम द स्क्रूटनी ऑफ बुक्स। अब यहां पे बच्चों आपको जो आगे के पॉइंट्स दे रखे हैं, पांचों पॉइंट्स जो दे रखे हैं, ये आपको एक एरर्स दे रखे हैं, बेसिकली आपको एरर्स दे रखे हैं। तो मोमेंट आपको उसने सवाल वाले ने एरर्स दे दिया, आपको समझ जाना है कि आपको उसकी रेक्टिफिकेशन करनी पड़ेगी या आपको उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने बोला ये चैप्टर से पहले आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का चैप्टर डन हो जाना चाहिए। ऐसा मैंने क्यों बोला, ये एक पर्टिकुलर केस बन रहा है रेक्टिफिकेशन का। कौन सा रेक्टिफिकेशन में हम 3 स्टेजेस में रेक्टिफिकेशन करते, बस एक क्विक रिकैप करा देता हूं। एक तो ट्रायल बैलेंस बनने से पहले, दूसरा ट्रायल बैलेंस बनने के बाद लेकिन फाइनल अकाउंट्स के बनने से पहले, और तीसरा स्टेज होता है आफ्टर फाइनल अकाउंट्स, मतलब फाइनल अकाउंट्स बनने के भी बाद अगर आपको रेक्टिफिकेशन करनी है तो कैसे करनी होती है। तो बच्चों जी रेक्टिफिकेशन जब आप करते हो, जब आप रेक्टिफिकेशन करते हो हां जी, तो आप जब रेक्टिफिकेशन करते हो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, इसका मतलब आप पहली बात रेक्टिफिकेशन करते हो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में, राइट? और यहां पे आपका जो कॉन्सेप्ट होता है, बड़ा एक कॉन्सेप्ट होता है, वो कहता है कि भाई अगर आपके जिस साल की भी आप रेक्टिफिकेशन कर रहे हो, मेरे वर्ड्स पे फोकस करना, मैं कह रहा हूं जिस साल की भी रेक्टिफिकेशन कर रहे हो उस साल में आप कोई भी अगर नॉमिनल अकाउंट को छेड़ोगे, कोई भी आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री में नॉमिनल अकाउंट आएगा उसको आपको रिप्लेस कर देना होता है एक अकाउंट से जिसका नाम होता है पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो जब हम नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में यानी फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद रेक्टिफिकेशन करते हैं तो हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज में जो भी नॉमिनल अकाउंट्स होती हैं उसको हमें रिप्लेस करना होता है एक नए अकाउंट से जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, सारे नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट्स का मीनिंग पता होगा, मैं मान रहा हूं, इसलिए मैंने क्या बोला आपको बेसिक अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। अब ये जो नॉमिनल अकाउंट मैं बोल रहा हूं यहां पे, अब जो मैं यहां पे नॉमिनल अकाउंट की बात कर रहा हूं, यहां पे एक बात ध्यान रखना, ये नॉमिनल अकाउंट जो होना चाहिए ये होना चाहिए रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर या रिलेटिंग टू, मैं अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के टर्म्स में बात करूं तो हमारा साल कौन सा खत्म हुआ है 2019-20। तो जब आप रेक्टिफिकेशन करोगे और नॉमिनल अकाउंट्स को रिप्लेस करोगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से, तो आपको मेक श्योर करना होता है कि जो नॉमिनल अकाउंट है दिस शुड रिलेट टू
2019-20, मतलब जिस साल की भी आप रेक्टिफिकेशन कर रहे हो उस साल का नॉमिनल अकाउंट जो है वो आपको रिप्लेस करना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से। इस बात पे गांठ बांध लेना। ये बात हो सकता है आपने गौर ना करी हो इवन रेक्टिफिकेशन के चैप्टर में, लेकिन यहां आपको इस बात पे गौर करना पड़ेगा। वो आपको क्यों करना पड़ेगा वो आपको बाद में समझ आएगा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूं लास्ट टाइम कि आपको जब भी रेक्टिफिकेशन करनी होती है पीएनएल अकाउंट मतलब फाइनल अकाउंट बनने के बाद, तो पहली बात रेक्टिफिकेशन करते वक्त जो भी नॉमिनल अकाउंट आते हैं उसको रिप्लेस करना है विद प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और कौन से नॉमिनल अकाउंट रिप्लेस करने हैं, वो नॉमिनल अकाउंट जो रिलेट करते हैं उस साल से जिस साल की आप रेक्टिफिकेशन कर रहे हो। जैसे मेरे इस क्वेश्चन में वो कौन सा साल है, 2019-20, ये पॉइंट, ठीक है। तो ये सारा बेस बनेगा आपका आगे, कैसे बनेगा देखो मैं एक बार क्विकली सारी एरर्स जो भी हैं वो पढ़ रहा हूं। हालांकि क्वेश्चन ने यहां क्लियरली लिखा नहीं एरर्स है, बट आप पढ़ोगे तो रियलाइज होगा कि एरर्स ही हैं। जैसे फर्स्ट पढ़ना कह रहा है परचेजेस फॉर द ईयर इंक्लूडेड रुपीज 15,000 पेड फॉर न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग्स फॉर द शॉप। तो हमने कोई इलेक्ट्रिक फिटिंग्स खरीदी थी जिसको हमें क्या करना चाहिए था, एक एसेट की तरह ट्रीट करना चाहिए था। इलेक्ट्रिक फिटिंग्स एक एसेट है, मतलब फिक्स्ड एसेट है, लेकिन हमने इसको परचेज में इंक्लूड कर दिया। तो ये जो आपकी गलती है वो क्या है, आपने एक कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर दिया, बिकॉज आपको एसेट में रिकॉर्ड करना चाहिए था यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह दिखाना चाहिए था, लेकिन आपने इसको परचेज में डाल दिया यानी आपने इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में दिखा दिया। तो एक ही गलती हो गई, ठीक है, गलती तो ठीक करेंगे हम। सेकेंड कह रहे हैं हनुमान गे अवे गुड्स वैल्यूड एट रुपीज 40,000 एज फ्री सैंपल्स फॉर विच नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो ऊपर वाली गलती जैसे क्या थी, ये अगर आपने पढ़ा होगा तब समझ गए होगे, एरर ऑफ प्रिंसिपल था, ये एरर ऑफ ओमिशन है, कंप्लीट ओमिशन, क्योंकि हमने अपने गुड्स को फ्री सैंपल के तौर पर बांट दिया लेकिन उसकी कोई भी एंट्री नहीं करी, ठीक है। थर्ड कहता है इनवॉइसेस फॉर गुड्स अमाउंटिंग टू रुपीज 2,50,000 हैव बीन एंटर्ड ऑन 27th March 2020 बट द गुड्स वर नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक। तो ये ध्यान से समझना इसने क्या बोला, इसकी मैं मीनिंग समझा देता हूं। इसने बोला भाई हमने 2.5 लाख की एक परचेज करी थी, हमने 2.5 लाख की एक परचेज करी थी, ठीक है। तो हमने परचेज तो रिकॉर्ड कर दी, परचेज हमने रिकॉर्ड कर दी क्योंकि उसने बोला हैज बीन एंटर्ड ऑन 27th मार्च, मतलब वो रिकॉर्डिंग की बात कर रहा है कि हमने 27 मार्च को इसको रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन जब हमने अपनी क्लोजिंग स्टॉक लिया उस क्लोजिंग स्टॉक में इस स्टॉक को लेना भूल गए जो हमने परचेज कर रखा था, तो ये मेरे स्टॉक में आना चाहिए था लेकिन मैं इसको अपने क्लोजिंग स्टॉक में लेना भूल गया। अब जिस भी रीजन से भूला उससे मेरे को मतलब नहीं, बस मुद्दे की बात है कि मैं इसको क्लोजिंग स्टॉक में लेना भूल गया, ठीक है, ओके। फोर्थ पॉइंट, इन मार्च 2020 गुड्स ऑफ रुपीज 2 लाख सोल्ड एंड डिलीवर्ड वर टेकन इन द सेल्स ऑफ April 2020। तो इस पे तो आप एक स्टार मार्क करना, बल्कि दो स्टार मार्क कर लो चाहे तो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये है वो लाइन, इंपॉर्टेंट लाइन, जिसमें आपका ये वाला पॉइंट यूज होगा, ये वाला। लो मैंने आपको हिंट दे दिया, ये बात जो मैंने आपको गौर करवाई इसमें आपका यूज होने वाला है इसका, इस पॉइंट में, ठीक है। कैसे, ऑफकोर्स बताऊंगा, पहले मीनिंग देख लो, मीनिंग क्या है, मतलब वो कह रहा है कि हमने मार्च 2020 में यानी जो हमारा 1920 का जो साल चल रहा था, 2019-20 का जो साल चल रहा था उसमें 2 लाख रुपए की सेल करी और ऑफ रुपीज 2 लाख सोल्ड एंड डिलीवर्ड, मतलब सेल करी डिलीवर हो गया, वर टेकन इन द सेल्स ऑफ April 2020। तो सेल तो ये 19-20 की हुई, मार्च में हुई, लेकिन मैंने गलती से क्या किया, इस सेल को कहां पे इंक्लूड कर दिया, सेल्स ऑफ April 2020। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों जी, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने 2019-20 में जो सेल दिखानी चाहिए थी वो मैंने अगले साल दिखाई यानी 2020-21 में दिखाई। पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। फिफ्थ कहता है गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 75,000 वाज सेंट ऑन सेल और रिटर्न इन मार्च 2020। तो सेल और रिटर्न का मतलब वही होता है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सेल ऑन अप्रूवल, जिसके ऊपर आपका एक अलग चैप्टर ही है। तो हमने अप्रूवल बेसिस पे एक सेल करी थी, मैंने 75,000 रुपए के कॉस्ट के गुड्स भेजे थे, कब भेजे थे, मार्च में, एट अ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ऑफ 33.1/3% ऑन कॉस्ट, मतलब मेरा प्रॉफिट मार्जिन है सिंपल भाषा में 1/3 ऑफ कॉस्ट। दो अप्रूवल वॉज गिवन इन April 2020, दीज वर टेकन इन सेल्स फॉर मार्च 2020। तो इसका जो अप्रूवल हुआ वो कब हुआ, April 2020 में,
लेकिन मैंने इसको सेल दिखा दी मार्च 2020 में ही। तो इस पॉइंट में आपका कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस का। इसलिए मैंने आपको यह भी कहा था कि मेक श्योर कर लेना कि वो चैप्टर आपका खत्म हो चुका हो, तभी आप इसकी एडजस्टमेंट कर पाओगे, नहीं तो कैसे करोगे। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट पढ़ना बहुत ध्यान से कि भाई क्वेश्चन आपसे क्या मांग रहा है। वो कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31st मार्च 2020। ठीक है, तो वो आपसे कह रहा है 31 मार्च 2020 की स्टॉक कितनी होगी। सर 31 मार्च 2020 की स्टॉक दे तो रखी है, ये रही सर, ये क्या पागलपंती है सर, क्वेश्चन ने दे रखी है। देखो 31st मार्च 2020 को स्टॉक की वैल्यू उसने दे रखी है, फिर वो दोबारा क्यों मांग रहा है, क्योंकि हमने गलतियां कर रखी है। वो कह रहा है गलती ठीक करने के बाद सही वैल्यू क्या होगी स्टॉक की, ये पूछ रहा है सही वैल्यू स्टॉक की क्या होनी चाहिए। ऊपर वाली वैल्यू गलत है क्योंकि हमने गलतियां कर रखी हैं, सही वैल्यू आपसे पूछ रहा है। और साथ साथ पूछ रहा है एडजस्टेड नेट प्रॉफिट बताओ। अगेन वही एडजस्टेड नेट प्रॉफिट बोले तो सही नेट प्रॉफिट बताओ। क्वेश्चन वाले ने आपको नेट प्रॉफिट दिया है यहां पे भी, देखो 6 लाख का, लेकिन आप वो कह रहे हैं कि भाई गलती ठीक करने के बाद सही नेट प्रॉफिट क्या होगा फॉर द ईयर एंडेड ऑन दैट डेट। ठीक है, तो 2019-20 का सही नेट प्रॉफिट बताओ और 31st मार्च 2020 की सही स्टॉक की वैल्यू बताओ, ये क्वेश्चन है। तो इसलिए ये वो पहला पार्ट जो है स्टॉक की वैल्यू पूछ रहा है, इस कारण से उन्होंने इन्वेंटरी चैप्टर में डाल दिया। लेकिन साथ साथ आपको जो असली मेहनत करनी है वो यहां पे करनी है। देखना अभी स्टॉक की वैल्यू तो यूं निकल जाएगी, फटाफट निकल जाएगी 2-3 लाइन में, लेकिन असली मेहनत आपको एडजस्टेड नेट प्रॉफिट में निकालने में लगेगी, क्योंकि उसमें आपको पूरा अपना रेटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो मेरे से अगर आप पूछोगे, मेरे हिसाब से ये जो क्वेश्चन है इन्वेंटरी चैप्टर में ना होके रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के चैप्टर में होना चाहिए था, अगर आप मुझसे पूछोगे तो, क्योंकि इसमें असली जो कॉन्सेप्ट टेस्टिंग हो रही है वो रेक्टिफिकेशन की हो रही है। ठीक है, लेकिन अब वो मैटर ऑफ डिस्प्यूट ही रहेगा हमेशा, बिकॉज क्वेश्चन ही ऐसा बना हुआ है कि इसमें कॉन्सेप्ट लगी ऐसे रहे कि आप मतलब 100% एक्यूरेसी से नहीं कह सकते कि सर ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें क्या है भाई, एग्जाम में तो सारे चैप्टर्स आते हैं ना, सिलेबस में तो सब कुछ है, तो आपको रोना क्या है कि भाई कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, इससे आपको लेना देना नहीं। एग्जाम में ये आएगा, मैं आपको ये भी बता देता हूं इंस्टीट्यूट की श्रद्धा पे कि वो आपके साथ कितना न्याय और अन्याय करना चाहते हैं, 4-5 मार्क्स से ज्यादा नहीं आएगा ये क्वेश्चन। इफ आई रिकलेक्ट करे मतलब सही अगर मेरे को रिकलेक्शन हो रहा है तो एक उन्होंने सैंपल पेपर में मतलब सैंपल पेपर कह रहा हूं मॉक टेस्ट पेपर में उन्होंने एक क्वेश्चन डाला था 4 मार्क्स में या 5 मार्क्स में। ठीक है, इससे ज्यादा का नहीं है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट है कि भाई आपको एडजस्टेड नेट प्रॉफिट यानी सही नेट प्रॉफिट निकालना है और सही स्टॉक की वैल्यू निकालनी है 31st मार्च 2020 को। ठीक है, यही आपकी मेन रिक्वायरमेंट है। अब ये करने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, मन में जर्नल एंट्रीज करनी पड़ेगी। जब मैं जर्नल एंट्रीज बोल रहा हूं आई मीन रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। ठीक है, तो एग्जाम में आपको रेक्टिफिकेशन एंट्रीज वैसे दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं, स्पेशली अगर ये 4-5 नंबर का क्वेश्चन है तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं कि आप अपना टाइम वेस्ट करो। लेकिन अभी आप पहली बार कर रहे होगे, आप अटक रहे होगे, तो मेरे साथ साथ अपने रजिस्टर्स में कहीं पे लिख लेना एंट्रीज क्या होंगी रेक्टिफिकेशन की, बिकॉज उसी से फिर सारा काम आपका आगे का इजीली हो जाएगा, आपकी एडजस्टेड नेट प्रॉफिट भी निकल जाएंगे और आपकी स्टॉक की वैल्यू भी निकल जाएगी। ठीक है, तो फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस हम रेक्टिफिकेशन एंट्रीज लिख रहे हैं, बट एग्जाम में रिक्वायरमेंट नहीं है। आप डायरेक्टली मेन सोल्यूशन कर सकते हो, मेन सोल्यूशन हम भी करेंगे लेकिन हम पहले एंट्रीज बनाएंगे। ठीक है, रेडी हो, चलो। तो अभी मानो कि भाई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का चैप्टर चलना है और आपको रेक्टिफिकेशन की एंट्रीज बनानी है, तो एक एक करके वापस से पढ़ेंगे और रेक्टिफिकेशन की एंट्रीज बनाएंगे। लेकिन याद रखना ये स्टेज 3 में हो रही है एंट्रीज, मतलब आपके रेक्टिफिकेशन के चैप्टर के हिसाब से ये स्टेज 3 या टाइप 3 बोलते हैं कुछ लोग, स्टेज 3 वाली ये रेक्टिफिकेशन है जिसमें हम फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद रेक्टिफिकेशन करते हैं। तो उसमें हमें ध्यान रखना है लास्ट ईयर मतलब जिस भी साल की रेक्टिफिकेशन हो रही है उसके नॉमिनल अकाउंट्स को रिप्लेस करके क्या लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये याद रखना। रेडी? यस सर, चलो पढ़ो। तो कह रहा है कि 15,000 की हमने इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स खरीदी थी जो कि हमने परचेस में इंक्लूड कर दिया, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री आप जल्दी जल्दी बनाओगे इसकी। वैसे देखो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगी, मैं पहले वैसे वाली लिख लेता हूं। देखो तो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट किया, तो आपको एक इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स
या इलेक्ट्रिक फिटिंग्स के नाम से एक एसेट दिखाना चाहिए था जो आपने नहीं दिखाया, तो अब आप वो डेबिट कर दोगे, दिखा दोगे। और जो आपने गलती से इसको परचेज में डाल रखा था वो ठीक करने के लिए आप इसको परचेज में क्रेडिट कर दोगे। लो ठीक है, तो वैसे तो इसकी एंट्री ये बनेगी, लेकिन ध्यान क्या रखना है हमको बताओ, हमको ध्यान ये रखना है कि हमको अब नॉमिनल अकाउंट जो है जो रिलेट करते हैं 2019-20 से, उसको हमें रिप्लेस कर देना है किससे, परचेज अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से। तो इसकी जगह हमें क्या लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो असली एंट्री आपकी क्या बन गई, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर? यस सर। सेकेंड एंट्री पढ़ो, हनुमान गेव अवे गुड्स वैल्यूड एट रुपीज 40,000 एज फ्री सैंपल्स फॉर विच नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स। तो पहले तो भाई फ्री सैंपल्स के तौर पे अगर हम गुड्स बांट देते हैं अपने, तो उसकी एंट्री क्या होती है, तो इसकी एंट्री होती है एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट या फिर फ्री सैंपल्स अकाउंट डेबिट या फिर सेल्स प्रमोशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो तीनों में से कोई भी चल जाती है, आपकी मर्जी, आपको जो अच्छी लगी वो आप लिख सकते हो, लेकिन टू परचेज अकाउंट। क्रेडिट किसको करना है इसमें, परचेज अकाउंट। तो लो ये मेरी एंट्री बनेगी, अमाउंट कितना था 40,000। ठीक है, अच्छा बात वहीं आके अटक गई। देखो भाई, ये जो आपने लिखा, चाहे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस लिखा, चाहे फ्री सैंपल लिखा, चाहे सेल्स प्रमोशन लिखा, ये बाय नेचर क्या है, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। तो इसके जगह आपको क्या लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सिमिलरली जो आपने परचेज अकाउंट लिखा, ये भी क्या है, ये भी एक नॉमिनल अकाउंट है, तो इसकी जगह भी आपको क्या लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो आपकी एंट्री बन क्या गई टेक्निकली, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो क्या ऐसी कभी एंट्री आपने जिंदगी में पढ़ी है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डेटर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, ऐसी कभी एंट्री सुनी है आपने, नहीं सुनी। तो टेक्निकली इस कारण से इसमें आपको नो एंट्री, कोई भी एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। रीजन मैंने आपको दिखा दिया, क्योंकि अल्टीमेटली डेबिट और क्रेडिट दोनों भी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ही हो रहे हैं, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट्स दोनों भी नॉमिनल अकाउंट में ही है। अच्छा बार बार याद दिला रहा हूं, ये नॉमिनल अकाउंट है दोनों, लेकिन कौन से नॉमिनल अकाउंट, कौन से साल के, कौन से साल से रिलेट करते हैं, 2019-20, ये याद रखना। जहां पे भी मैं रिप्लेस कर रहा हूं विद पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, उस पर ध्यान रखना कि मैं 2019-20 का जो नॉमिनल अकाउंट है उसको ही रिप्लेस कर रहा हूं। ठीक है, चलो तो इसका मतलब मुद्दे की बात हो गई कि इसकी नो एंट्री है, आप इसकी नो एंट्री लिख के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इस रीजन से। चलो नेक्स्ट थर्ड, थर्ड कहता है इनवॉइसेस फॉर गुड्स अमाउंटिंग टू रुपीज 2,50,000 हैव बीन एंटर्ड ऑन 27 मार्च, बट द गुड्स वर नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक। तो कह रहे एक परचेज है जो हमने एंटर कर दी थी, रिकॉर्ड कर दी थी, वहां तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है सब, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक उसको हम दिखाना भूल गए, क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड करना भूल गए। तो बेसिकली आपको यहां पे क्या करनी है, आपको क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करनी है। ठीक है, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होती है, मैंने आपको पहले ही हिंट दे दिया था, अब लिखना मत, पहले सुन लेना। टेक्निकली स्पीकिंग क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये एंट्री होती है, जो मैंने पहले भी शायद बता दी थी। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो अब ध्यान रखना कि क्लोजिंग स्टॉक की, अगर कोई भी आपको इसके बाद एंट्री पूछे कि जनरल एंट्री क्या होती है, तो आपको क्या बोलनी है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। चलो पहले पॉइंट क्लियर। अब जरा यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात पर ध्यान रखना, बहुत ही बड़ी कॉन्सेप्चुअल बात बोल रहा हूं बच्चों। बार बार हमने बोला कि रेक्टिफिकेशन हम स्टेज थ्री में कर रहे हैं, फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद बन रहे हैं, तो टेक्निकली स्पीकिंग हम ये रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पता है कौन से अकाउंटिंग ईयर में पास कर रहे हैं, हम ये 2020-21 यानी अगले साल पास कर रहे हैं। हाँ ये रिलेट कर रही थी 2019-20, पिछले साल से रिलेट करती है, लेकिन हम लोग एक्चुअली में कब बैठ के इसको पास कर रहे हैं, 2020-21 में।
ठीक है, समझ आ गया ना। अच्छा, अब जब मैंने यहां पे क्लोजिंग स्टॉक बोला तो ये क्लोजिंग स्टॉक कौन से साल का है, 2019-20 का। दिस इज अ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2019-20। अब तो 2020-21 चल रहा है, तो टेक्निकली 2020-21 में ये अब क्लोजिंग स्टॉक थोड़ी रहा है, टेक्निकली ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। तो अब यहां पे आप क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिख सकते क्योंकि ये आप क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, ये पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है, लेकिन जिस साल हम बैठ के एंट्रीज पास कर रहे हैं उस साल का क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। पॉइंट क्लियर हो गया। तो इसकी जगह आपके पास दो ऑप्शन है, या तो बिल्कुल टेक्निकली करेक्ट होके इसको ओपनिंग स्टॉक लिख लो, क्योंकि ये मेरी ओपनिंग स्टॉक होगी ना करेंट ईयर में, ये मेरी ओपनिंग स्टॉक होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इंस्टीट्यूट ने इसका भी एक शॉर्टकट मार दिया, उन्होंने ना क्लोजिंग लिखा ना ओपनिंग लिखा, उन्होंने सिर्फ स्टॉक अकाउंट लिखा हुआ है। अगर आप इंस्टीट्यूट का आंसर देखोगे या देख चुके हो तो आप वहां पे देख लेना कि वहां पे उन्होंने खाली स्टॉक अकाउंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इंस्टीट्यूट वाला शॉर्टकट भी आजमा सकते हो, नहीं तो आप टेक्निकली इसको ओपनिंग स्टॉक भी बोल सकते हो। लेकिन क्यों ये समझ आना जरूरी है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ये पिछले साल का है, लेकिन अब जिस साल हम मैं एंट्री पास कर रहा हूं इस साल, तो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, है ना। आपने ओपनिंग एंट्री शायद पढ़ी होगी अपने जर्नल के या फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर में, हम एक ओपनिंग एंट्रीज बनाते हैं, राइट। तो ओपनिंग एंट्री है ये, तो ओपनिंग एंट्रीज में हम लोग ओपनिंग स्टॉक लेके आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ओपनिंग स्टॉक, इसे टेक्निकली हमें बोलना चाहिए कि दिस इज ओपनिंग स्टॉक। दूसरी बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मतलब ये बात तो अब जो हम कर ही रहे हैं, यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय नेचर ये सब नॉमिनल अकाउंट होते हैं, और ये पिछले साल का ही नॉमिनल अकाउंट है, तो इसको काट दो और इसकी जगह क्या लिख दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। तो 250,000 मतलब एंट्री बन गई स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। चलो नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट पे मैंने दो सितारे मारे थे, अब थोड़ा ध्यान से सुनना फोर्थ पॉइंट की एनालिसिस, कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, क्या आपको सोचना है, कैसे काम करना है। पहले पॉइंट एक बार फटाफट से क्या बोला था उसने, कि मार्च में एक सेल करी हमने, मार्च में हमने एक सेल करी और वो सेल हमने अप्रैल 2020 में रिकॉर्ड कर दी। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने इवन दो साल पिछले साल की सेल थी, बट मैंने इसको करेंट ईयर की सेल दिखा दी, पिछले साल की सेल थी लेकिन इस साल की सेल दिखा दी मैंने, ठीक है। अब ठीक करने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो बहुत सिंपल है, देखो जो सेल गलत मैंने दिखा दी, सेल्स जो मैंने गलत दिखा दी, कौन से साल में, 2020-21 की सेल दिखा दी मैंने, 2020-21 की सेल दिखा दी, तो सेल दिखाई होगी तो जाहिर सी बात है सेल क्रेडिट होती है, सेल क्रेडिट करी होगी, तो जो गलत सेल क्रेडिट कर रखी है उसको डेबिट कर दो, और जो सही सेल क्रेडिट होनी चाहिए थी, यानी पिछले साल की ये सेल क्रेडिट होनी चाहिए थी, 2019-20 की सेल क्रेडिट होनी चाहिए थी, वो मैंने नहीं करी, वो अप कर दो, ठीक है। और अमाउंट क्या था भाई साहब, अमाउंट था 2 लाख, अमाउंट था 2 लाख, ठीक है। तो मैंने करा क्या, रिपीट कर लेता हूं एक बार, मैंने गलती से, क्योंकि मार्च की सेल अप्रैल में दिखा रखी है, मतलब मैंने 1920 की सेल 2021 में दिखा रखी है, तो जो 2021 में मैंने सेल दिखा रखी है क्रेडिट कर रखी है उसको मैं ठीक करने के लिए डेबिट कर दूंगा, और जो सेल मुझे 1920 की दिखानी चाहिए थी नहीं दिखाई वो अब मैं यहां पे क्रेडिट कर दूंगा। अब यहां पे पॉइंट समझना, अगर ये समझ आ गया तो, ये वाला जो सेल अकाउंट है वो कौन से साल का है, मैंने जानबूझ के इसलिए ब्रैकेट में लिखा था, ये 2019-20 यानी पिछले साल का है, यानी ये पिछले साल का 1920 का एक नॉमिनल अकाउंट है, 2019-20 से रिलेटेड एक नॉमिनल अकाउंट है। तो इसकी जगह तो मेरे को क्या लिखना है, इसकी जगह मुझे लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। अब जो रट्टे वाले बच्चे होते हैं वो क्या बोलेंगे, रट्टे वाले बच्चे बोलेंगे कि सर ये भी तो सेल अकाउंट है, ये भी तो नॉमिनल अकाउंट है, तो सर इसकी जगह भी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिख लो। लेकिन बच्चों जी, जो पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या ये सेल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, नो डाउट, लेकिन ये रिलेट करता है टू 2020-21, ये पिछले साल यानी जिस साल की रेक्टिफिकेशन कर रहे उससे रिलेटेड नॉमिनल अकाउंट नहीं है, एक करेंट ईयर का नॉमिनल अकाउंट है, तो इसको उठा के आपको चेंज नहीं करना, हमें सिर्फ पिछले साल के जो नॉमिनल अकाउंट है उनकी जगह पीएनएल एडजस्टमेंट लिखना है।
जो करंट ईयर के जो भी नॉमिनल अकाउंट है उनको उठा के नहीं ठीक करना हमको, वो सेल अकाउंट ही रहेगा। ठीक है, तो यहां पे जो आपकी अल्टीमेटली एंट्री क्या बनेगी, सेल्स अकाउंट डेबिट 2 लाख टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 2 लाख, ये एंट्री बनेगी। रीजन समझ गए, लॉजिक समझ गए, बिकॉज ये 2020-21 का एक नॉमिनल अकाउंट है, जबकि नीचे वाला 1920 के नॉमिनल अकाउंट है। हमें सिर्फ 1920 के नॉमिनल अकाउंट को रिप्लेस करना है, इसलिए मैंने ऊपर आपको पहले ही यहां पे लिखवा दिया था या आपके साथ डिस्कस कर लिया था कि देखो भाई हमें सिर्फ 2019-20 के जो नॉमिनल अकाउंट है उन्हीं को रिप्लेस करना है, जो 2020-21 यानी करेंट जो साल चल रहा है उसके नॉमिनल अकाउंट को रिप्लेस नहीं करना। इस कारण से आपका ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था और इस कारण से मैंने ये आपको बताया भी। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता रेक्टिफिकेशन के चैप्टर में भी ये पॉइंट कहीं पे आया, लेकिन यहां पे आ गया। ठीक है, चलो लास्ट फिफ्थ पॉइंट, सबसे मजेदार, सेल ऑन अप्रूवल। सबसे मजेदार इसलिए क्योंकि इसमें कई सारी एंट्रीज करनी पड़ती है। तो भाई कॉन्सेप्ट याद दिलाओ मुझे, सेल ऑन अप्रूवल में क्या होता है। अगर मैंने किसी साल सेल ऑन अप्रूवल को एक्चुअल सेल की तरह दिखाया है और साल खत्म होने तक वो अभी भी गुड्स पड़े हुए हैं कस्टमर के साथ जो अप्रूव नहीं हुए हैं, तो हमको क्या करना पड़ता है, पहले जो सेल रिकॉर्ड कर रखी है उसको रिवर्स करना पड़ता है, यानी उसको कैंसिल करना पड़ता है। उसके बाद दूसरा हमें क्या करना पड़ता है, हमको एक इन्वेंटरी विद कस्टमर जो होता है वो दिखाना पड़ता है, वो रिकॉर्ड करना पड़ता है एट कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो पहले जो सेल डाल रखी है उसको रिवर्स करना पड़ता है, कैंसिल करना पड़ता है, और एक इन्वेंटरी विद कस्टमर हमको रिकॉर्ड करना पड़ता है। ठीक है, तो हमने यहां पे दोनों में से कुछ नहीं कर रखा, हमने दोनों में से कुछ नहीं कर रखा, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें दो एंट्रीज बनाता हूं, देखो मैं, बल्कि देखना मैं तीन एंट्रीज बनाऊंगा, हालांकि तीसरी एंट्री का यहां रेलिवेंस नहीं होगा, बट समझने के लिए, फुल एनालिसिस के लिए मैं तीन एंट्रीज बनाऊंगा। क्या, एक तो मैं पुरानी सेल जो मुझे रिवर्स करनी चाहिए थी, कैंसिल करनी चाहिए थी, नहीं करी, वो करूंगा रिवर्स। तो सेल्स अकाउंट, और फिर से वैसे ही लिख रहा हूं मैं ब्रैकेट में, ये पिछले साल की सेल है क्योंकि ये पिछले साल की सेल में दिखा रखी है, उसको हमें कैंसिल करना है ना, और टू डेटर अकाउंट, ये मैंने रिवर्स कर दिया। अच्छा, इसकी कितनी वैल्यू आएगी, सेल वैल्यू कितनी होगी, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन ने आपको कॉस्ट दिया था, उसने कॉस्ट दिया था 75,000 का और बोला था कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन है 1/3 ऑफ कॉस्ट, यानी कि इसकी सेल वैल्यू कितनी होगी। भाई सेल्स तो मैंने सेल वैल्यू पे रिकॉर्ड करी होगी ना, कॉस्ट पे थोड़ी, तो रिकैंसिल करूंगा तो उसको भी सेल वैल्यू पे करूंगा, तो इसको मेरे को पहले सेल वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि भाई अगर कॉस्ट 75,000 है और 1/3 ऑन कॉस्ट प्रॉफिट मार्जिन है, तो इतना मैंने प्रॉफिट लगाया होगा, तो मेरी सेल कितनी आ गई होगी, आई थिंक ये 25,000 आ रहा है, तो सेल मेरी 1 लाख आ गई होगी, तो इसकी सेल वैल्यू कितनी होगी, 1 लाख। ठीक है जी, तो एक ये काम करना होता है। फिर बी में हमको क्या करना होता है, एक इन्वेंटरी विद कस्टमर रिकॉर्ड करना होता है, तो इसकी एंट्री होती है इन्वेंटरी विद कस्टमर अकाउंट डेबिट, जस्ट लाइक क्लोजिंग स्टॉक, बिल्कुल जस्ट लाइक क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती है इसकी, बिकॉज टेक्निकली ये भी हम अपना स्टॉक ही मानते हैं, तो स्टॉक की जो एंट्री होती है उसी को मतलब यहां पर बना रखा है। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट हो गया और ये कॉस्ट पे आता है, तो ये तो हम 75,000 दिखाएंगे। ठीक है, पहले इन दो एंट्रीज को कंप्लीट कर लो, पहले यहां पे पूरी एनालिसिस खत्म कर लो। ये सेल अकाउंट 1920 का है, यानी 1920 का एक नॉमिनल अकाउंट है, तो हमें इसकी जगह क्या लिखना है भाई, इसकी जगह हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखना है। दूसरी बात, नीचे आ जाओ, बी बी वाली एंट्री में भी ढूंढो क्या कोई पिछले साल का नॉमिनल अकाउंट है, ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट, तो पिछले साल का है ना ये, तो ये भी पिछले साल का एक नॉमिनल अकाउंट है, तो इसकी जगह भी हम क्या लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, और टेक्निकली इन्वेंटरी विद कस्टमर वैसे ठीक है, लेकिन जैसे ऊपर हमने क्लोजिंग स्टॉक में इसको या तो ओपनिंग स्टॉक बोल दिया था या फिर स्टॉक बोल दिया था सिंपली, तो आप इसको नॉर्मल बस स्टॉक करके भी लिख सकते हो, किताब वालों ने ये किया, इसको स्टॉक ही दिखाया है, तो आप इसको ओपनिंग स्टॉक भी लिख सकते हो, खाली स्टॉक भी लिख सकते हो, फिर भी आपको जिद होती है कि नहीं नहीं हम तो इन्वेंटरी विद कस्टमर लिखेंगे, तो आप इन्वेंटरी विद कस्टमर लिख लो, लेकिन मुद्दे की बात यह कि हमारी ही स्टॉक में आएगा, ये बस समझ के रखना कि ये हमारी ही स्टॉक में आएगा। तो एक मतलब ये दोनों एंट्रीज तो मेरी पिछले साल की ठीक करने की एंट्रीज हो गई। अच्छा, सी एक एंट्री मैं और बना रहा हूं जो वैसे रेलिवेंट नहीं है यहां पे, बट फिर भी मैं बना रहा हूं आपकी समझ के लिए। क्या सर, क्वेश्चन ने ये बोला था इस पॉइंट में, अगर मैं वापस एक बार क्वेश्चन पे आऊं, क्वेश्चन ने बोला था कि ये जो सेल थी बच्चों, ये जो सेल थी
जो अप्रूवल वाली थी ये अप्रैल में अप्रूव हो गई, मतलब 2020-21 में अप्रूव हो गई। तो टेक्निकली 2020-21 में हमें इसके अप्रूवल की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, अप्रूवल की एंट्री डालनी पड़ेगी। तो अप्रूवल की एंट्री के लिए कुछ नहीं करना होता बच्चों, बड़ा सिंपल होता है, आपको नॉर्मल एक सेल की एंट्री रिकॉर्ड करनी है। हम मानेंगे कि अब ये 2021 की सेल है, हालांकि हमने अप्रूवल पे पिछले साल भेजा था, बट क्योंकि अभी अप्रूव हो रही है, इस साल अप्रूव हो रही है, तो हम तो इसको करंट ईयर की सेल्स मानेंगे। तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और आपकी समझ के लिए ये हम करंट ईयर यानी 2021 की सेल मान रहे हैं, ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। तो अब ये फिर से सेम पॉइंट है भाई, ध्यान रखना ये सेल अकाउंट इवन दो नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन 2021 का नॉमिनल अकाउंट है, करंट ईयर का नॉमिनल अकाउंट है, इसको आप उठा के पीएनएल एडजस्टमेंट से मत रिप्लेस कर देना, हमें सिर्फ पिछले साल के जो नॉमिनल अकाउंट है उन्हीं को रिप्लेस करना, ठीक है। इसलिए मैंने बोला इस क्वेश्चन में इस एंट्री की कोई भी रेलिवेंस नहीं, यूज नहीं है, ना तो प्रॉफिट कैलकुलेशन में, मतलब ना तो एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेशन में, ना ही स्टॉक की कैलकुलेशन में, बट फिर भी मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एंट्री लिख दी, ठीक है। तो देखो पांचों एंट्री क्लियर हो गई, अगर जी पांचों एंट्री क्लियर हो गई तो अब तो हमारा मेन सोल्यूशन इतना इजी हो गया कि मैं क्या ही बोलूं। एक तो क्वेश्चन ने बोला था क्लोजिंग स्टॉक निकालो, तो चलो क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेते जिस ऑर्डर में पूछा था। तो फर्स्ट क्वेश्चन ने बोला था, या इसको ऐसे बड़ा बन डाल देता हूं, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्री ऑफ या ऑन बोलना चाहिए, ऑन 31st March 2020। अब हमें सही निकालना है, तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री पहले आपको दे कितनी लिखी है, गिवन क्वेश्चन में कितनी गिवन है, तो चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 3,75,000। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन है 3,75,000। अब जहां जहां भी आपने स्टॉक को ऐड किया वहां वहां आप स्टॉक इसको ऐड कर दो, तो चेक करो अपनी ऊपर एंट्री से सब काम हो जाएगा। कहां आपने एक स्टॉक ऐड किया था, एक तो देखो यहां किया था, ये रहा, ठीक है। तो जहां भी स्टॉक आपने ऐड किया वो स्टॉक आप यहां पे ऐड करके दिखा लो, चलो, और लिख लो जैसे क्वेश्चन ने बोला था कि भाई परचेज थी एक March 2020 की, जो हमने स्टॉक में नहीं इंक्लूड करी थी, नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक, तो अब हम इंक्लूड कर रहे हैं उसको, उसकी हमने ऊपर एंट्री पास कर दी, अब हम यहां पे इंक्लूड कर रहे हैं। कितनी वैल्यू थी इसकी, 2,50,000, ठीक है जी। और कहां हमने स्टॉक को ऐड किया था, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ये रहा, ये देखो मैंने यहां बोला था कि इसकी जगह आप स्टॉक लिख सकते हो, बिकॉज टेक्निकली ये स्टॉक ही है, ठीक है। तो इवन द इन्वेंट्री विद कस्टमर है, बट हम इसको 31 मार्च को अपना ही स्टॉक मानेंगे, हमारी ही स्टॉक है ये, हमारी इन्वेंट्री में इंक्लूड होगा, इसलिए हम इसको भी ऐड कर देंगे। तो लिखो इन्वेंट्री विद कस्टमर 75,000, बस झांक के देख लेना जल्दी से, और हमने कहीं पे भी स्टॉक नहीं ऐड किया था या डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं किया स्टॉक को, तो अब बस आपका ये आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 450 + 250, ये आई थिंक 7,00,000 आ रहा है, चेक कर लेना, ये आ रहा है 7,00,000। तो एक आंसर देखो आपका ये आ गया। तो मैंने बोला था देखो स्टॉक की वैल्यू जो है ये तो 2-3 लाइन में निकल जाएगी, बस इतना ही है। असली मेहनत आपको क्या करनी है सेकेंड पार्ट में, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड नेट प्रॉफिट 2019-20 का, इसको आप स्टेटमेंट फॉर्म में करके दिखा सकते हो, या फिर यहां पे मैं ICICI की मान रख रहा हूं, उन्होंने पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया है, तो मैं भी एक पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहा हूं, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है, आप इसको एक स्टेटमेंट फॉर्म में, शेड्यूल फॉर्म में जैसे भी दिखा सकते हो, लेकिन जैसे भी दिखाओ बस कृपया साफ साफ दिखाना, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं अकाउंट ही बना लेता हूं, फिर मैं आपको बता दूंगा अगर आप इसी को स्टेटमेंट फॉर्म में बनाना चाहो तो आप कैसे बना सकते हो। चलो तो एक ठीक सा अकाउंट बना खींच लेते हैं, और देखना मेहनत कुछ नहीं है, जो मेहनत करनी थी मैं आपको ऑलरेडी करा चुका, अब आपको छोटे बच्चों की तरह पोस्टिंग करनी है सिर्फ। चलो तो पोस्टिंग करने से पहले जो क्वेश्चन ने नेट प्रॉफिट दिया हुआ है उसको कैरी करके ले आना,
तो नेट प्रॉफिट गिवन क्वेश्चन में जो है वो हम यहां पे पहले पीएनएल एडजस्टमेंट कैरी करके ले आते हैं, ठीक है। उसी में तो हेर फेर करनी है हमको, जो गिवन नेट प्रॉफिट है उसी में हेर फेर करनी है। जैसे नई स्टॉक वैल्यू निकाली हमने, उसमें हमने गिवन स्टॉक में हेर फेर करी, वैसे अब नई प्रॉफिट निकाल रहे तो गिवन नेट प्रॉफिट में हेर फेर करेंगे, तो उसके लिए पहले गिवन प्रॉफिट लेके तो आए। तो ये कितना लेके आए थे भाई, कितना क्वेश्चन ने बोला था, ऊपर बोला था सबसे पहली लाइन में 6 लाख। चलो अब क्या करना है, जहां जहां पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट है उसको पोस्ट करना शुरू कर दो, ऊपर से स्टार्ट करो। पहली एंट्री में पीएनएल एडजस्टमेंट क्रेडिट हो रहा है इलेक्ट्रिक फिटिंग से 15,000, लो जी बाय इलेक्ट्रिक फिटिंग्स। चलो फटाफट करेंगे अब थोड़ा जल्दी जल्दी, अब इजी वाला काम चल रहा है 15,000, ठीक है। फिर उसके बाद अब सेकेंड एंट्री बड़े मजेदार है, हमारी एनालिसिस के हिसाब से नो एंट्री है, जो कि सही है, गलत नहीं है, ये सही है नो एंट्री। तो टेक्निकली आपको कोई पोस्टिंग करने की जरूरत नहीं। अब इंस्टीट्यूट ने क्या कर रखा है, इंस्टीट्यूट ने पीएनएल एडजस्टमेंट में देखना डेबिट भी कर रखा है 40,000, उन्होंने इसे क्रेडिट भी कर रखा है 40 को, डेबिट भी क्रेडिट भी। बट हमने तो इस पे क्रक्स बोल दिया था नेट इफेक्ट की, भाई नेट इफेक्ट में तो कोई एंट्री बनी नहीं थी, तो आपको कोई पोस्टिंग करने की जरूरत नहीं। बट सेफ साइड में रहने के लिए हम नीचे एक नोट डाल देंगे, क्या एक हम नोट डाल देंगे, आप भी एग्जाम में नोट डाल देना अगर एंट्री नहीं कर रहे तो, नोट डाल देना नो एंट्री फॉर पॉइंट टू सिंस पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट इज डेबिटेड एंड क्रेडिटेड बाय सेम अमाउंट। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं भाई, कभी कभी एग्जामिनर जो है आंख बंद करके चेक करता है कि भाई आंख बंद करके वो देखेगा कि डेबिट में 40 नहीं क्रेडिट में 40 नहीं, वो नंबर काट दे। तो कम से कम आपने ये दिखा दिया कि भाई देखो हमने जानबूझ के नहीं डाला, हमें पता है कि इसकी एडजस्टमेंट होगी बट इस कारण से हमने नहीं डाला। ऐसा नहीं है हम भूल गए हमें पता नहीं था, हमने जानबूझ के पर्पसफुली नहीं डाला। तो ये आप अपनी ज्ञान झाड़ दोगे अपने एग्जामिनर पर तो आप सेफ साइड पर रहोगे, इसलिए आप ये डाल देना, ठीक है, अपने भाषा में नोट डाल देना। चलो और थर्ड में क्या था, थर्ड में हमने पीएनएल एडजस्टमेंट को हम क्रेडिट किया है 2.5 लाख से, आओ जी तो बाय स्टॉक या बाय ओपनिंग स्टॉक जो भी लिखा हुआ है आपने 2.5 लाख, ठीक है। और क्या किया फिर हमने थर्ड के बाद, फोर्थ में हमने पीएनएल एडजस्टमेंट को दोबारा क्रेडिट कर रखा है 2 लाख से बाय सेल्स, एक मिनट नहीं बाय अच्छा यहां पे है ना, हमने बाय सेल्स करके 2 लाख क्रेडिट कर रखा है फोर्थ में, ठीक है जी। और फोर्थ तक हो गया हमारा काम, फोर्थ तक हो गया, फिफ्थ में आ जाओ तो फिफ्थ में दो सी वाली एंट्री तो इग्नोर मानना, ए और बी पे ध्यान देना। तो ए में क्या है, पीएनएल एडजस्टमेंट टू डेटर 1 लाख, तो पीएनएल एडजस्टमेंट डेबिट हो रहा है टू डेटर 1 लाख, ठीक है, ये लिख लो चाहे एग्जाम में लिख लेना कैंसिलेशन ऑफ सेल्स एंट्री, मतलब ऐसे करके कुछ डाल देना है, ठीक है। और क्या करोगे फिर बी में क्या किया हमने, ओपनिंग स्टॉक टू पीएनएल एडजस्टमेंट 75, चलो तो बाय स्टॉक ही लिख देंगे, कुछ भी लिख सकते हो, ओपनिंग स्टॉक इन्वेंट्री विद कस्टमर जो भी लिखना है 75,000, देख लो डाल दी सारी एंट्री। अब यहां पे क्या बैलेंस बच रहा है चेक कर लो, तो टोटल कर लेते हैं, टोटल कितना आ रहा है, तो टोटल आ रहा है 11,40,000, माइनस 1 लाख किया तो कितना बच रहा है 10,40,000, 10,40,000, ठीक है। इसको आप बोल दोगे क्या, ये हो गया आपका आंसर जो क्वेश्चन ने मांगा था, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट।
सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आंसर आपका किताब के आंसर से मैच कर रहा होगा। एक ही फर्क होगा बस, किताब वालों ने यहां 40,000 डेबिट भी कर रखा है और किताब ने यहां पे क्रेडिट भी कर रखा है। हमने बोला भाई डेबिट और क्रेडिट जब करना ही है तो हम इससे अच्छा कुछ भी नहीं करते स्मार्ट वे में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, तो इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई करना था। मैं उम्मीद करता हूं आपको अब ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा और अब इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको हेल्पफुल लगी ये वीडियो, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना, ताकि अगर आपके कोई दोस्त भी इसमें अटकेंगे तो उनको भी मदद मिल जाएगी और इससे मेरे को थोड़ा सा, मेरे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। मैं मिलूंगा फिर एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।